Talking about the evaluation of the student performance, we need to see that uh, when a student has been provided with a feedback with the assessment records, uh, how we are going to justify that evaluation in terms of the student, assessment result, justified as a part of assessment, teachers provide students with descriptive feedback that guides their efforts towards improvement. क्योंकि अगर हम उनको फीडबैक नहीं देंगे तो डेफिनेटली वो इम्प्रूव नहीं कर सकते वैल्यूएशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ जजिंग क्वालिटी ऑफ़ द स्टूडेंट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ इस्टेब्लिश क्राइटेरिया विच इज़ यूजली प्री डिटर्मिन और हर इंस्टीट्यूशन में अपने जो हैं वो वेटिंग uh, क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बेसिस के ऊपर हम स्टूडेंट्स जो हैं उनसे असाइनमेंट प्रेजेंटेशन या उनसे जो और भी रिलेटेड वर्क uh, लिया जाता है उसके मार्क्स देते हैं और वही uh, जो है वो उसी के बेसिस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि उसके काम की क्वालिटी जो है वो कैसी है मोस्ट प्रोफेशनल एथिकल कोड्स कंटेन अ मैसेज फॉर इंडिविजुअल्स टू डू नॉट हार्म टू दो विद होम दर्क इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करना चाहूँगी एट टाइम्स हम स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक ग्रुप वर्क दे देते हैं जिसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छा काम कर रहे होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे होते सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन

ये इस्टेबलिश करना कि कौन सा काम किसने किस कम्पिटेंसी के साथ किया क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो बात फेक भी कर सकते हैं वो बात किसी चीज़ को हाइड भी कर सकते हैं और एक दूसरे के स्टेक्स को वो बेसिकली प्रोटेक्ट करते हुए बाजुकात ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें ये वैल्यूएशन करना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स फील डिस्ट्रेस व्हेन इशूड अ फेलिंग और अनवांटेड ग्रेड एक्सपीरियंस अ हाई क्रिटिकल क्लिनिकल सुपरवाइजी विच इज़ एवेलुएशन जो कि उनके रिकॉर्ड में एंटर की जाती है एंड देन दे आर टर्मिनेटेड फ्रॉम अ प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए कोर्स बहुत अनप्लेजेंट होता है उनके लिए बिल्कुल भी ये अनलाइकली होता है कि उनको ऐसे ग्रेड्स दिए जाएं, जिनके बेसिस के ऊपर उनको एक फेलियर uh, करा दिया जाए या उनके परफॉर्मेंस को बहुत बुरा मार्क किया जाए और uh, एक क्लिनिकल सुपरवाइजी जो है वो उनको अपने अंडर काम करने से uh, जो है वो सेपरेट कर दे बिकॉज दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल और उसकी बेसिस के ऊपर वो अपने उस सिस्टम से टर्मिनेट भी हो सकते हैं बट फॉर दैट द स्टूडेंट नीड टू बी वेरी विजिलेंट बिकॉज अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो इवेंचुअली यू विल बी गोइंग थ्रू दिस ऑल दिस बैड फेज सो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वन नीड टू अंडरस्टैंड कि एक एजुकेशनल सेटअप के अंदर यू हैव टू मेनटेन द डिकोरम यू हैव टू प्रोफेशनली डू वेल अगर आप क्लिनिकल असेसमेंट्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें अच्छे तरीके से अपने टेस्ट परफॉर्म करने हैं अपने प्रोफाइल्स अच्छे तरीके से बनाने हैं एंड ऑल दिस थिंग्स दैन इम्पोर्टेंट इशूज इन असेसमेंट। इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट असेसमेंट एंड इवेलुएशन आर वैलिड एंड रिलाईबल एंड दे इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग टीचर्स मस्ट यूज असैसमेंट एंड एवेल्युए क्राइटेरिया एंड स्ट्रैटीज विच इंक्लूड्स दैट दे एड्रेस बोथ स्टूडेंट्स दैट दे लर्न वेल एंड हाउ वेल दे हैव लर्न लाइक like, उनको अच्छा सिखाया जाए और उनको कितना अच्छा सिखाया जाए ये दोनों चीज़ें जो हैं उनको इंकॉपोरेट करना बहुत जरूरी है एंड दैन दैट असमेंट क्राइटेरियाज आर बेस्ड बोथ ऑन दैटेगरी ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स एंड ऑन द अचीवमेंट चार्ट डिस्क्रिप्शन गिवेन इन मिनिस्ट्री यानी आपने ये भी देखना है कि एक जो इंटरनेशनल आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री का स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग भी आप वो असमेंट कर रहे हैं और आप इसके बेसिस के ऊपर भी कर रहे हैं कि कितना नॉलेज आपने उनको दिया था और उसके बेसिस के ऊपर कितना नॉलेज वो रिट्रीव कर सकते हैं सो वी हैव टू सी दैट वी हैव टू सी द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एज वेल एज द स्टैंडर्ड विच थ्रू विच वी आर गिविंग द एजुकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर गोइंग टू टेक द असेसमेंट ऐसा नहीं कि आपने उनको बहुत ही लो uh, लेवल का जो है वो कोई नॉलेज प्रोवाइड किया और बहुत हाई लेवल की असेसमेंट उनसे ले रहे हैं सिंपल वर्ड्स में मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से उन्हें पढ़ाया गया है उनकी असेसमेंट का मेथड भी उसी तरीके के साथ डिटरमिन करना पड़ेगा पीरियड ऑफ टाइम एंड डिजाइन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू डिमॉन्सट्रेट द फुल रेंज ऑफ देयर लर्निंग फिर ये कि जो असेसमेंट के मेथड्स हैं वो इतने वेरियड होने चाहिए कि जो स्टूडेंट की फुल पोटेंशियल को मीट करते हों और जिस तरीके से भी उनके असेसमेंट की जाए उनको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी गई हो कि वो बेहतर तरीके के साथ उन असेसमेंट्स के रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर सकें देन असेसमेंट रिजल्ट मस्ट भी अप्रोप्रिएट फॉर द लर्निंग एक्टिविटीज यूज यानी आपने जिस तरीके की लर्निंग एक्टिविटीज कराई हैं उसी तरह की आप असेसमेंट करवा लें एंड द पर्पज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड द नीड एंड एक्सपीरियंसिस ऑफ द स्टूडेंट और उन स्टूडेंट्स की नीड उनको जो दी जाने वाली इंस्ट्रक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंगली ही उनको असेस किया जाएगा Then assessments are communicated clearly to the students and parents at the beginning of the course. जब एक कोर्स स्टार्ट होता है उसके बिगनिंग में ही ये बता दिया जाता है कि इसके असेसमेंट का तरीका का क्या होगा फॉर एग्जाम्पल अगर एक सब्जेक्ट जो है वो लैब uh, बेस है या वो प्रैक्टिकम बेस है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो शुरू में ही क्लियरली uh, बताई जाएंगी ये नहीं कि एंड पे उनको कहा जाए कि अब आपने इसके साथ इतने क्रेडिट आवर्स की लैब भी करनी सो दिस वुड बी अनफेयर टू दैम सो वट एवर आर दसेसमेंट क्राइटीरिया जिन दे नीड टू बी स्पेल आउट इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द कोर्स दैन इट नीड टू बी इंश्योर दैट ईच स्टूडेंट इज गिवन क्लियर डायरेक्शन फॉर द इम्प्रूवमेंट जब भी हमारे पास टाइम टू टाइम अससमेंट के रिजल्ट आते हैं तो उसकी फीडबैक स्टूडेंट को देना बहुत जरूरी है ताकि उन्हें क्लियरली ये बात मालूम हो कि उन्होंने अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है देन प्रोमोट स्टूडेंट एबिलिटी टू असैस देयर ओन लर्निंग एंड टू गेट स्पेसिफिक गोल्स फॉर दैम एक टीचर को स्टूडेंट को इतना इनेबल बनाना है कि जो असेसमेंट के मेथड्स हैं वो स्टूडेंट को खुद ये बता सकें कि उसकी एबिलिटीज कितनी हैं और वो अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकता है एंड देन द असेसमेंट मेथड्स आर लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट टू ऑल स्टूडेंट्स इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड इंश्योर दैट द मेथड्स आर वेरी ट्रांसपेरेंट एंड दे आर फेयरली अवेलेबल टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इनरोल्ड इन एनी ऑफ द कोर्स ऑफ साइकोलॉजी